ये है पेट हाउस, हम उनकी सेकंड ब्रांच पे आए थे। तो मैं ये एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में दे दूँगा, यहाँ पे एक मॉल भी है पास में ही, तो मैं वो साइड से आया था। तो गाड़ी में एक्टिव में हुआ क्या एक्चुअली, तो हमारा किल स्विच जैसे कि आप देख सकते हो मैंने रखा है ऑन पे ही, इसका ऑन हो या ऑफ हो अभी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि मुझे वो स्क्रू ड्राइवर जो था, जो आगे वाला पैनल मुझे खोलना था, उसके लिए उस स्क्रू ड्राइवर ढूंढने में ही लगभग एक घंटा लग गया, क्योंकि आसपास में मुझे कोई शॉप नहीं मिल रहा था, मैकेनिक का शॉप वगैरह कोई। और गाड़ी का मैंने जब ये स्किल स्विच लगाया था तब उसमें का स्क्रू ड्राइवर निकाल के मैंने घर पे रख दिया था और मैं वापस रखना भूल गया, इसकी वजह से ये दिक्कत हो गई। तो चलो कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आती रहेंगी। तो ये किल स्विच वाला एक्सपेरिमेंट तो चलो हो गया है सक्सेस ऐसे कह सकते हैं, बस मुझे वायरिंग थोड़ी ठीक से करनी पड़ेगी। मैंने बस टेप से लगाया था उनको, मैंने अभी घर पे जाऊंगा तो मैं ठीक से इसको सोल्डरिंग से पैक कर दूंगा और फिर उसको टेप से पैक कर देते हैं। तो ये बहुत ही माइनर सी चीज़ थी एक्चुअली, बट ये इसकी वजह से अगर समझो मैं लेके गया ठीक है मुझे पता है कि ये करना था, बट लगे अगर घर में कोई लेके जाता तो उनको पता ही नहीं चलता कि गाड़ी क्यों चालू नहीं हो रही है, मैकेनिक भी परेशान हो जाता शायद कि हाँ भाई सब तो ओके लग रहा है पर चालू क्यों नहीं हो रही। तो ये मुझे ठीक करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद ही मैं गाड़ी मतलब कह सकते हैं कि सब घर के लिए वालों के लिए सेफ है। तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ क्या हुआ था। तो दिस वॉज द इशू, ये था हमारा, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टेप लगा दिया है। तो ये है हमारा किल स्विच का बटन, इसका वायर्स निकल गया था, तो यहाँ से निकल गया तो वो मुझे लगाने वो टाइम पे फिजिबल नहीं लगा, मैंने क्या किया सीधा सीधा यहाँ पे ये दोनों वायर खींच लिया और दोनों एक दूसरे को लगा दिया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। तो ये क्या हो गया, इससे कनेक्शन ब्रेक हो रहा था हमारा बटन की वजह से, हमने क्या किया दोनों वायर निकाल दिए, दोनों को एक साथ मिला दिया और मेरा बटन का वायर टेम्परेरी ख़त्म हो गया इशू। तो मैंने ऐसे करके लगभग एक घंटा मैंने घूमा स्क्रू ड्राइवर के लिए सिर्फ, क्योंकि मुझे ये इतना पार्ट खोलना था और ये लगा के मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसके बाद मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया था। तो बस यही छोटा सा एक क्लिप बताना था आप लोगों को, तो देखते हैं अभी क्या ही होगा, क्योंकि ये है ना सोल्डरिंग वगैरह ठीक से करना पड़ता है, अगर नहीं किया तो फिर दिक्कत दे सकता है, जैसे कि अभी ओहो भाई अचानक से ठीक, कोई बात जैसे कि अभी मैंने सोल्डरिंग किया नहीं था, मैं टेस्ट कर रहा था इसको, तो चलो टेस्टिंग में ही हमें पता चल गया कि भाई इसमें दिक्कत है, इसको करना पड़ेगा ठीक से पैक तभी ये चलेगा। एक्चुअली मैं ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, बट अभी इसको पता चल गया है कि प्रॉब्लम क्या हुई है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो अभी इससे आगे ये चीज़ एक नोट कर लेता हूँ कि जब भी वायरिंग का कुछ भी हो, मैं कुछ भी घर पे काम करूँ, तो सबसे पहले मैं सोल्डरिंग गन यूज़ करूँगा और उसके बाद मैं उसको टेपिंग करूँगा ठीक से। तो ये एक चीज़ नोट कर ली है मैंने, अभी कोई भी एक्सपेरिमेंट करूँगा क्योंकि ऐसी दिक्कत आ जाती है। और एक और चीज़ कि मेरा जो भी है स्क्रू ड्राइवर और जो भी नेसेसरी थिंग्स है, जैसे कि अभी ये सिर्फ स्क्रू ड्राइवर से नहीं होता था, इसको मिरर भी निकालने पड़ेंगे ठीक है, तो ये एक चीज़ और थी। तो ये थोड़े बहुत जो टूल्स होते हैं वो गाड़ी के डिब्बे में मैं रखती हूँ। वैसे ये बहुत से लोगों को रास्ता पता होगा, आई एम नॉट श्योर, बट ये रोड इतना कुछ खास नहीं है, ये रोड से जितना कम आया जाए उतना ही अच्छा है, दरगाह रोड कहते हैं इसको, दरगाह रोड की तरफ जाने वाला रोड है एक्चुअली, हम दरगाह रोड से अभी क्रॉस हो चुके हैं। तो यहाँ पे दिक्कत यही है कि कहीं से भी कोई भी घुस जाता है, क्योंकि ये रोड देखने में ऐसे दिखता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट यहाँ पे कॉलोनीज़ की जो रोडवेज है, जैसे कि अभी देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कि बहुत छोटी सी एंट्रेंस है, बहुत ही छोटे छोटे मतलब एग्जिट पॉइंट है जहाँ से लोग कहीं से भी कब भी बाहर आ सकते हैं, ये पानी पानी कर दिया ये लोगों ने। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारी गाड़ी अभी स्लिप नहीं होगी, मेरा टायर ठीक है अभी के लिए, उसको 100% नहीं कह सकते कि ओके है परफेक्ट है, इसको ना रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे टायर को जल्दी। तो मैं ये टायर रिप्लेस करते समय ना मैं रिम पेंट करने का सोच रहा हूँ, बट अभी तक सोचा नहीं कौन सा कलर दूँ, शायद चलो तब का तब देखा जाएगा, अभी के लिए तो कोई सोचा नहीं है मैंने। और एक और चीज़, लाइट मॉडिफिकेशंस की वीडियोस हम जल्दी और लाएंगे, आई एम नॉट श्योर कि अभी कौन से टाइप की लाइट मॉडिफिकेशन चाहिए,
अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे फॉग लैंप्स जो है एक्टिव डिज़ायर के, उसमें हम मॉडिफिकेशंस लाते हैं। अभी के लिए स्टॉक है डिज़ायर के फॉग लैंप्स, हमने हेडलैम्प्स तो चेंज कर दिए हैं, हमने हेडलैम्प्स में लगाया है एलईडी, जैसे आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं इसका लिंक यहीं पे कहीं पे फ्लैश करा दूंगा आई बटन में, तो वहाँ से वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। हमारा 50K हो गया है वो वीडियोस पे व्यू, इसलिए ज़रूर देखिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए वो वीडियो पे। और उसी के साथ साथ ये सब जो मैं ब्लॉगिंग के वीडियोस बना रहा हूँ उस पर भी आपका फीडबैक शेयर करिए कि कैसे लग रहा है ये वीडियो, अगर इसमें कोई वॉइस क्वालिटी चेंज करना है या फिर डिस्प्ले वीडियो क्वालिटी कुछ आपको प्रॉब्लम लगे तो मुझे बताइए। और मेरे जो बोलने का स्टाइल है उसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो वो भी बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करूँगा। कि आप ऑडियंस लोग हो तभी ये चैनल चल पा रहा है, नहीं तो चैनल को कोई वैल्यू नहीं थी। जैसे कि मैंने पहले भी देखा था, मैंने बहुत इनिशियल में बहुत वीडियोस अपलोड की थी, लेकिन वो टाइम पे ऑडियंस का आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से मैंने क्या किया, बीच में वीडियोस बनाना रोक दिया था कम्प्लीटली। बट उसके बाद मुझे एक बार ये भी बैठे बैठे सोचा कि चलो एक और ट्राई कर लेते, तब ट्राई भी मेरे ये हमने वीडियो बनाया था नाइट टाइम वाला, तो वो वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, तो इसी प्रकार आपका प्यार बनाए रखिए और मैं वीडियोस डालते रहूँगा। आपका लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बहुत सारे लोगों को शेयर करिए, उनके मोबाइल से सब्सक्राइब कराइए। बहुत अच्छा लगता है जब सब्सक्राइब हो जाता है और कोई भी कमेंट करता है, अच्छी सी बढ़िया सी कमेंट करता है, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग मैं क्लोज़ कर देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।